स्टूडेंट्स आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू नो दैट बाय फ्रिक्शन वी कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग दो लाइट प्लास्टिक ऐसे ट्यूब लिए हैं, तो इसको क्या करना है, स्ट्रॉ लिए हैं, तो उसमें क्या करना है, हम लोग देखेंगे कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है, और बाय फ्रिक्शन हम लोग इसका चार्ज ट्रांसफर के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग देखो ये पहले हम कुछ भी इसमें नहीं, ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रॉ है, हम उसको ऐसे रखते हैं और देखते हैं कि ये कुछ रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसा करके इसको देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ये न्यूट्रल है, उसका इलेक्ट्रॉन्स और दो और प्रोटॉन्स नंबर सेम है, तो ये न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल है, तो कोई रिपल्सन नहीं है। अभी उसको हम बाय फ्रिक्शन कुछ चार्ज उसमें एकोमुलेट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक टिश्यू पेपर है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रब करेंगे। तो ये रब करने से इसका जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज होगा कैसे पता चलेगा, इसको ऐसे रखेंगे और इसको क्या करेंगे, दूसरों को भी ऐसे करके रब करेंगे। तो दोनों को सेम टिश्यू पेपर में रब कर रहे हैं, मतलब यही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दोनों में सेम चार्ज एक्युमुलेट हुआ है, क्योंकि दोनों को सेम टिश्यू पेपर से रब किए हैं। तो अभी देखते हैं इसको पास में लेके, देखो पास में लेने से कितना अच्छे से रिपेल, पूरा बहुत दूर से रिपेल कर रहा है, देख रहे हो आप कितना दूर से रिपेल कर रहा है। तो ये लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट है, तो काफ़ी अच्छा इफेक्टिव वे से हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ चार्जेस डेवलप हुआ है, तो वो दोनों सेम चार्ज डेवलप हुआ है, तो इसीलिए दोनों रिपेल कर रहा है। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है ना, तो यू कैन ट्राई दिस एंड यू कैन रियलाइज दैट हाउ दिस इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर वन एंड हाउ दे रिपेल। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।